नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट सर्च में। दोस्तों आज का मैच होने जा रहा है जो कि है जी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर वर्सेस गुजरात टाइटंस। दोस्तों बारिश की वजह से कुछ मैच डिले हो गया था, गुजरात ने यहाँ पर टॉस जीता पहले बोलने का फैसला किया। दोस्तों आरसीबी की बात करेंगे, यहाँ पे विराट कोहली करीज मौजूद है, 57 की पारी खेल चुकी है, मात्र 38 गेंदों में 8 चौके बल्ले से आए हैं, 150 की रही है उनकी स्ट्राइक रेट। दोस्तों विराट कोहली करीज मौजूद है अभी, प्लेसी दोस्तों कैप्टन 28 की पारी खेली है, 19 गेंदों में 5 चौके में बल्ले से आए हैं, 147 की रही है उनकी स्ट्राइक रेट। नून अहमद गेंद पे, तिवारी ने कैच लॉक का, प्लेसी कैप्टन 28 पे आउट हुए, मैक्सवेल आए 11 की पारी खेली 5 गेंदों में, 11 की खूबसूरत पारी खेलते हुए यहाँ पे एक चौका चक्का लगाया था इस मैच में, 147 की रही थी उनकी स्ट्राइक रेट, मैक्सवेल की रही थी 220 की स्ट्राइक रेट। वहीं पर लामों की बात करेंगे, यहाँ पर एक रन बनाया था 3 गेंदों में, 33 की रही थी स्ट्राइक रेट। मिचेल प्लेसी 15 रन की पारी खेली, नॉट आउट है, 9 गेंदों में 15 रन बनाए, 3 चौके में बल्ले से आए थे, बहुत ही शानदार खूबसूरत पारी खेलते हुए यहाँ पर बहुत ही अच्छी पारी उन्होंने खेली थी इस मैच में। दोस्तों आरसीबी वर्सेस रॉयल चैलेंजर बेंगलोर वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला आज का बहुत शानदार होता जा रहा है, 17 मुकाबला 4 मुकाबले और होने, ये आज का मुकाबला है जो लास्ट मुकाबला है आरसीबी वर्सेस गुजरात टाइटंस, जो भी टीम जीतेगी गुजरात पहुँच चुकी क्वालीफाई में, अगर आरसीबी जीतती है तो क्वालीफाई करेगी, बाकी हो जाएगी बात। दोस्तों इससे मुकाबला बहुत ही पेचीदा हो जा रहा है, विराट कोहली 57 बनाए यहाँ पे, 150 गिरी थी स्ट्राइक रेट, प्लेसी 28 रन बनाए 19 गेंदों में, 5 चौके आए थे, मैक्सवेल 5 गेंदों में 11 रन बनाए थे यहाँ पे, 5 गेंदों में 11 रन, 1 चौका चक्का लगाया था, 220 स्ट्राइक रेट। वहीं पहला मोड 1 रन बनाया 3 गेंदों में, 33 की स्ट्राइक, मिचेल ब्रेसवेल 15 की पारी खेली 9 गेंदों में। दोस्तों इससे मुकाबला बहुत शानदार हुआ, यहाँ पे टोटल 117 रन बनाए 3 विकेट नुकसान पे, 12 की पारी हो चुकी समय यहाँ पे, 9.48 की प्रति ओवर रन रेट आ रही है यहाँ पे, 117 की बहुत ही खूबसूरत पारी खेली है, अभी 10 ओवर हुए 12 ओवर हुए। दोस्तों तो इससे रन रेट चली तो 220-230 तक स्कोर आज जा सकता है आरसीबी का, अच्छी पारी खेलती है आरसीबी, बड़ा स्कोर मिलता है तो आज मुश्किल हो जाएगी, मुश्किल बढ़ सकती है गुजरात की भी, गुजरात पहले ही पहुँच चुकी है कोई दिक्कत, लेकिन आरसीबी को जीतना बहुत जरूरी है आज इस मैच को। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर वर्सेस गुजरात टाइटंस बीच मुकाबला बहुत शानदार और 17 मुकाबला है जो कि आज खेला जा रहा है। दोस्तों मुकाबला बहुत ही शानदार हो जा रहा है, यहाँ पे टोटल यहाँ पे 117 की पारी हुई है 3 विकेट नुकसान पे, 13 ओवर की पारी हो चुकी है, 9.48 की हारी प्रति ओवर रेट यहाँ पे, इस टाइम रेट 150 की विराट कोहली की 57 रन बनाए 38 गेंदों में, प्लेसी 200 कैप्टन 28 रन बनाए थे 19 गेंदों में। यदि बात करें बॉलिंग परफॉर्म किस तरह आज गुजरात टाइटंस का, तो मुकाबला बहुत ही शानदार और अच्छा रहा है गुजरात टाइटंस का। बात करें बॉलिंग की तो बॉलिंग की बात करें यहाँ पे तो गुजरात टाइटंस दोस्तों अर्जुन रावत, दिनेश कार्तिक, यासिर पटेल, वर्णय पंडेल, विजय कुमार, विजय मोहम्मद सिराज यहाँ बल्लेबाजी करने आएंगे। दोस्तों आज मुकाबला बहुत शानदार हुआ है, 67 पे पहला विकेट पेपर प्लेसिस का, 8 ओवर पहली गेंद पे क्लेयर मैक्सवेल का, 9 ओवर दूसरी गेंद पे, उसके बाद दोस्तों मेपल लंबोर 10 ओवर पहली गेंद पे गिरा था। बॉलिंग दोस्तों मोहम्मद सिराज, समीर 2 ओवर में 22 रन, 11 की उन्होंने डाली बाइक ने, 1 यश दयाल 2 डाले 21 रन दिए, 10 की इकोनोमी उनकी, असिफ खान 3 ओवर 18 रन दिए, विकेट लिया यहाँ पे 6 की इकोनोमी, नूर अहमद 2 4 ओवर डाले 39 रन दिए, 2 विकेट यहाँ पर छटकाए थे, बड़े बड़े विकेट भी यहाँ पे लिए थे नूर मोहम्मद, बहुत ही अच्छा शानदार परफॉर्म यहाँ पर नूर अहमद द्वारा, मोहित शर्मा 3 ओवर में यहाँ पे 20 रन देखे, यहाँ पर विकेट नहीं मिला था यहाँ पे, 13 की इकोनोमी यहाँ पे पहली बार गिरे, 1 मोहित शर्मा 2 डाले 20 रन दिए, नूर अहमद ने 4 ओवर 39 रन दिए, 2 विकेट यहाँ पर लिए, 2.75 इकोनोमी, रशीद खान 3 ओवर 18 रन दिए यहाँ पे, 1 विकेट भी लिया 6 की इकोनॉमी, 10 दयाल 2 ओवर में 21 रन, 10 पचास इकोनॉमी, मोहम्मद शमी 2 ओवर 22 रन, 11 इकोनॉमी। दोस्तों इस मुकाबला बहुत शानदार है यहाँ पे गुजरात टाइटंस, दोस्तों टीम वर्धमान शाह विकेट कीपर सुमन गिल, यश दयाल, हार्दिक पांड्या कैप्टन, डेविड मिलर, राहुल तेवटिया, दसू शंका, रशीद खान, नूर अहमद, मोहम्मद शमी, मोहित शर्मा। दोस्तों ये बल्लेबाजी करेंगे गुजरात की तरफ से, गुजरात वर्सेस बेंगलोर बीच का मुकाबला बहुत शानदार, विराट कोहली हार्दिक पांड्या के बीच मुकाबला, हार्दिक पांड्या ने पहले बॉलिंग का फैसला करते हुए बॉलिंग की और दोस्तों यहाँ पर परफॉर्म बहुत शानदार होता रहा है, बैट में विकेट भी यहाँ पर मिले हैं लगातार, विकेट 3 विकेट मिले हैं, बड़े विकेट मिले हैं, प्लेसी मैक्सवेल और लामू यहाँ पर आउट हुए, कोहली बल्लेबाजी करने के लिए मौजूद है, बड़ी पारी खेलने की आशा है, 50 अपनी अर्से तक मार चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर मोहम्मद शमी 2 ओवर में 22 रन, विकेट नहीं मिला अब तक, जस्ते 2 ओवर में किशन को विकेट मिला, रशीद खान 3 ओवर में 1 विकेट लिया है, 18 रन दिए यहाँ पे, रशीद खान बहुत ही शानदार अच्छी गेंदबाजी, पिछले मैचों में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी और इस मैच में अच्छी गेंदबाजी करेंगे दिखते हैं यहाँ पे, तो अच्छी गेंदबाजी अच्छी बैट्समैन है, अगली अच्छी बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाजी करते हैं, वो बहुत ही अच्छे परफॉर्म दिखाता है हर मैच में, बहुत ही अच्छी
खिदमत की थी उन्होंने और बहुत ही बड़े बड़े मैच उन्होंने जिताए भी हैं। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों हुई यहाँ पे आसिफ की तरफ से। रोहित शर्मा वर्सेस। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट सर्च में। दोस्तों आज का मैच होने जा रहा है जो कि है जी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर वर्सेस गुजरात टाइटंस। दोस्तों बारिश की वजह से कोई मैच डिले हो गया था, गुजरात ने यहाँ पर टॉस जीता पहले बोलने का फैसला किया। दोस्तों आरसीबी की बात करेंगे यहाँ पे, विराट कोहली करीज मौजूद 57 की पारी खेल चुकी है, मात्र 38 गेंदों में 8 चौके और बल्ले से आए हैं, 150 की रही है इनकी स्ट्राइक रेट। दोस्तों विराट कोहली करीज मौजूद अभी प्लेसी, दोस्तों कैप्टन 28 की पारी खेली है, 19 गेंदों में 5 चौके और बल्ले से आए हैं, 147 की रही है इनकी स्ट्राइक रेट। नून अहमद गेंद पे, तिवारी ने कैचअप का प्लेसीज, कैप्टन 28 पे आउट हुए, मैक्सवेल आए 11 की पारी खेली 5 गेंदों में, 11 की खूबसूरत पारी खेलते हुए यहाँ पे एक चौका चक्का लगाया था इस मैच में, 147 की रही थी उनकी स्ट्राइक रेट, मैक्सवेल की रही थी 220 की स्ट्राइक रेट। वहीं पर लामो की बात करेंगे, यहाँ पर एक रन बनाया था 3 गेंदों में, 33-33 की रही थी स्ट्राइक रेट। मिचेल प्लेस 15 रन की पारी खेली, नोट आउट है, 9 गेंदों में 15 रन बनाए, 3 चौके और बल्ले से आए थे, बहुत ही शानदार खूबसूरत पारी खेलते हुए यहाँ पर बहुत ही अच्छी पारी उन्होंने खेली थी इस मैच में। दोस्तों आरसीबी वर्सेस रॉयल चैलेंजर बेंगलोर वर्सेस गुजरात टाइटंस का मुकाबला आज का बहुत शानदार होता जा रहा है। 17 मुकाबला 4 मुकाबले और होने, ये आज का मुकाबला है जो लास्ट मुकाबला है, आरसीबी वर्सेस गुजरात टाइटंस, जो भी टीम जीतेगी गुजरात पहुँच चुकी क्वालीफाई में, अगर आरसीबी जीतती है तो क्वालीफाई करेगी, बाकी हो जाएगी बात। दोस्तों इससे मुकाबला बहुत ही पेचीदा हो जा रहा है, विराट कोहली 37 गेंदों 57 बनाए यहाँ पे 150 की स्ट्राइक रेट, प्लेसिस 28 रन बनाए 19 गेंदों में 5 चौके आए थे, मैक्सवेल 5 गेंदों में 11 रन बनाए थे यहाँ पे, 5 गेंदों में 11 रन, एक चौका चक्का लगाया था, 220 स्ट्राइक रेट। वहीं पहला मोड एक रन बनाया 3 गेंदों में 33 की स्ट्राइक, मिचेल ब्रेसवेल 15 की पारी खेली 2 गेंदों में। दोस्तों इससे मुकाबला बहुत शानदार हुआ यहाँ पे, टोटल 117 रन बनाए 3 विकेट नुकसान पे, 12 की पारी हो चुकी समय यहाँ पे, 9.48 की प्रति ओवर रन रेट आ रही है यहाँ पे, 117 की बहुत ही खूबसूरत पारी खेली है, 10 ओवर हुए 12 ओवर हुए। दोस्तों तो इससे रन रेट से ली तो 220-230 तक स्कोर आज सशक्त है आरसीबी का, अच्छी पारी खेलती है आरसीबी, बड़ा स्कोर मिलता है तो आज मुश्किल हो जाएगी, मुश्किल बढ़ सकती है गुजरात की भी, तो गुजरात पहले ही पहुँच चुकी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आरसीबी को जीतना बहुत जरूरी है आज इस मैच को। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला हुआ शानदार, और 17 मुकाबला है जो कि आज खेला जा रहा है। दोस्तों मुकाबला बहुत ही शानदार हो जा रहा है यहाँ पे, टोटल यहाँ पे 117 की पारी हुई है 3 विकेट नुकसान पे, 13 ओवर की पारी हो चुकी समाप्त, 9.48 की हारी प्रति ओवर रेट यहाँ पे, स्ट्राइक रेट 150 की, विराट कोहली की 57 रन बनाए 38 गेंदों में, प्लेस 200 कैप्टन 28 रन बनाए थे 19 गेंदों में। यदि बात करें बॉलिंग परफॉर्म किस तरह आज गुजरात टाइटंस का, तो मुकाबला बहुत ही शानदार और अच्छा रहा है गुजरात टाइटंस का। बात करें बॉलिंग की तो बॉलिंग की बात करें यहाँ पे तो गुजरात टाइटंस दोस्तों अर्जुन रावत, दिनेश कार्तिक, हर्षल पटेल, वर्णय पंडेल, विजय कुमार, विजय मोहम्मद सिराज यहाँ बल्लेबाजी करने आएंगे। दोस्तों आज मुकाबला बहुत शानदार हुआ है, 67 पे पहला विकेट पीपल प्लेसेस का, 8 ओवर पहली गेंद पे क्लेयर मैक्सवेल का, 9 ओवर दूसरी गेंद पे, उसके बाद दोस्तों मेपल लंबोर 10 ओवर पहली गेंद पे गिरा था। बॉलिंग दोस्तों मोहम्मद सिराज, समीर 2 ओवर में 22 रन, 11 की उन्होंने डाली बाइक ने, एक यश दयाल 2 डाले 21 रन दिए, 10 की इकोनोमरी उनकी, असद खान 3 ओवर 18 रन दिए, विकेट लिए यहाँ पे 6 की इकोनोमरी, नूर अहमद 2-4 ओवर डाले 45 रन दिए, 2 विकेट यहाँ पर छटके थे, बड़े बड़े विकेट भी यहाँ पे ले नूर मोहम्मद ने, बहुत ही अच्छा शानदार परफॉर्म यहाँ पर नूर अहमद द्वारा। मोहित शर्मा 3 ओवर में यहाँ पे 20 रन देखे, यहाँ पर कोई विकेट नहीं मिला था, यहाँ पे 13 की इकोनोमरी यहाँ पे पहली बार के लिए, एक मोहित शर्मा 2 डाले 20 रन दिए, नूर अहमद ने 4 ओवर 39 रन दिए, 2 विकेट यहाँ पर लिए 2-75 इकोनोमरी, रशीद खान 203 ओवर 18 रन दिए, यहाँ पे एक विकेट भी लिया 6 की इकोनॉमी, 10 दयाल 2 ओवर में 21 रन 10-50 इकोनॉमी, मोहम्मद शमी 2 ओवर 22 रन 11 इकोनॉमी। दोस्तों इस मुकाबला बहुत शानदार यहाँ पे गुजरात टाइटंस, दोस्तों टीम वर्धमान शाह विकेट कीपर सुमन गिल, यश दयाल, हार्दिक पांड्या कैप्टन, देव मिलर, राहुल तेवटिया, दसुल शंका, रशीद खान, नूर अहमद, मोहम्मद शमी, मोहित शर्मा। दोस्तों ये बल्लेबाजी करेंगे गुजरात की तरफ से, गुजरात वर्सेस बेंगलोर बीच का मुकाबला बहुत शानदार, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या के बीच मुकाबला, हार्दिक पांड्या ने पहले बॉलिंग का फैसला करते हुए बॉलिंग की, और दोस्तों यहाँ पर बहुत शानदार जा रहा है, बैट में विकेट भी यहाँ पर मिले हैं लगातार, विकेट 3 विकेट मिले हैं, बड़े विकेट मिले हैं, पहले से मैक्सवेल और लामो यहाँ पर आउट हुए, कोहली बल्लेबाजी करने के लिए मौजूद है, बड़ी पारी खेलने की आशा है, 50 मिनट अच्छे तक मार चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर मोहम्मद शमी 2 ओवर में 22 रन, विकेट मिला अब तक, जैसे 2 ओवर में किशन को विकेट मिला, रशीद खान 3 ओवर में 1 विकेट लिया है, 18 रन दिए यहाँ पे, रशीद खान बहुत ही शानदार अच्छी गेंदबाजी, पिछले मैचों में बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी,
और इस मैच में अच्छी गेंदबाजी करेंगे, दिखते हैं यहाँ पे। तो अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बैट्समैन है, अर्ली अच्छी बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी गेंदबाजी करते हैं और बल्लेबाजी करते हैं, वो बहुत ही अच्छे परफॉर्म दिखा था हर मैच में, पिछले मैचों में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी उन्होंने और बहुत ही बड़े बड़े मैच उन्होंने जिताए भी हैं, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी।